हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गुड इवनिंग। ठीक है, 4 बज गए हैं शाम के और मैं वैसे चाय बनाने जा रही थी, बट मेरे को ना थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं उसी का इलाज सोच रही थी। एक्चुअली क्या हुआ है कि 2 4 दिन से ना मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। मतलब बिल्कुल भूख का मतलब जैसे खाने का जो मन करता है ऐसा कुछ नहीं कर रहा। इसकी वजह से मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है 1 2 दिन से, क्योंकि पूरा दिन मैं खाली पेट रहती हूँ और इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए 2 दिन से मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द था, और शायद इसीलिए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब वीडियोस वगैरह कुछ शूट नहीं करी मैंने। आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हल्की सी भूख अब लगी है, तो मैंने थोड़े से तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे क्योंकि संक्रांति थी। बट इतना जैसे मैंने बोला मीठा खाने का तो मूड नहीं होता, तो वो तो ऐसे ही रखे हैं। बट फिलहाल मैं जा रही हूँ, मैं सोची चाय बना लूँ, चाय के साथ मैं खाऊँ ब्रेड, तो थोड़ी सी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी और खाली चाय भी नहीं पी जाएगी, क्योंकि इस गैस की प्रॉब्लम को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे कभी गैस नहीं होती है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे हो। तो चलिए, तो पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद करेंगे जो करेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे मैं कटोरे में चाय पीती हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत हंसते हैं। तो मैं कटोरे में चाय सिर्फ मॉर्निंग में पीती हूँ, जब मुझे स्कूल जाने की बहुत जल्दी रहती है, वरना शाम को तो मैं कप में ही पीती हूँ। और ये मेरी चाय पत्ती और चीनी के डब्बे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कुछ अलग तरीके के डब्बे चाहिए थे दोनों के लिए, तो फाइनली ये मुझे मिले थे और ये मैंने वी मार्ट से ख़रीदे थे। काफ़ी अच्छे सुंदर से डब्बे हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। मतलब अलग से जैसे चाय का जो आपका सिस्टम है ना, वो आपका अलग होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ ये चाय की चीज़ है। तो वैसे मुझे और थोड़े अलग से चाहिए थे, बट मुझे ये मिले तो मुझे ये भी काफ़ी पसंद आए और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मुझे जो शाम की चाय है, वैसे मैं अदरक बहुत रेयर पीती हूँ चाय में डाल के, मैं बिना अदरक की चाय ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। रखा था तो मैंने डाल लिया, और ये चाय भी बाद में मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं पी जा रही थी, जैसे मैंने बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी सी अप्स एंड डाउन ही चल रही है, सो इस वजह से। तो अभी जस्ट मेरा पोपट हुआ है कि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बना ली और देखा मेरा जो वीडियो थी वो ऑन ही नहीं थी, तो मैं दोबारा शूट कर रही हूँ। तो मुझे कुछ मैसेज आए थे कि मैं चैनल का मतलब उनके चैनल के बारे में अपने चैनल पर बोलूँ, अपनी वीडियोस में बोलूँ। तो ये मुझे तब भी आते थे जब कभी मेरे सिर्फ 400 500 सब्सक्राइबर थे, और मैंने तब भी किया था ऐसा, और मैंने बोला था जिस दिन मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं ये चीज़ करूँगी। तो जिस भी इंसान को, इंसान कह रही हूँ, जिनको भी ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब पर अभी नए हैं और चाहते हैं अपना थोड़ा सा पुशअप हो, उनका यूट्यूब पे थोड़ी सी आगे बढ़े, तो वो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मैं नीचे दे दूँगी, वैसे आप अलका रानी आशी निगम किसी भी सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊँगी आपको, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जितना मेरे से होगा मैं उतना ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करके वहाँ भी अपना कमेंट कर सकते हो। मुझे अलका वाईटी से मेरा फेसबुक पेज है, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी, तो आप उससे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे मेल भी कर सकते हो जी, जिसको मेल करना है, बट प्लीज़ अनटिशंट काम। सो मैंने खाना बना लिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है, और टाइम आप देख लीजिए, मतलब सही 1 घंटे में मैंने खाना बनाया। चलो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया। तो ये है मेरी आलू की सब्ज़ी। आप सोचोगे बहुत ज़्यादा ऑयल है, बट जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, खुशबू आ रही है। अरुण के लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, और अपने लिए मैंने बनाई है 1 मक्का की रोटी। और जैसे ही आप सबको पता है कि मैं ब्लैक रेजिन वाटर पीती हूँ डेली, ये वो है। तो अब जो मेरा काम बचा हुआ है वो है कपड़े धो के मुंह धोने का। आज कपड़े कुछ खास नहीं है, सिर्फ टॉप धोना है मेरे को, और मैं इससे मुंह धोने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा क्रीम है, क्रीम नहीं है, मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है।
ये मक्का का आटा है, जैसे मैं इसके लिए वीडियो शेयर करूंगी, बहुत अच्छा होता है अगर आप इससे अपना फेस धोते हैं। इसमें आप हल्की सी हल्दी भी मिला सकते हो, इस बार मैंने नहीं मिलाई तो मैं इसी से फेस धोती हूँ। इससे जो आपके ये डर्ट वगैरह जो ये हो जाती है सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैं इसी से ही इवनिंग में कोशिश करती हूँ अपना फेस वॉश करूँ, तो मैं इसे बहुत बार धोती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी अपना हाथ मुँह धोने। पहले मैं गीजर ऑन करके आती हूँ। इतनी जल्दी पानी तो नहीं गर्म होता, बट थोड़ा बहुत सुबह का रहता है, थोड़ा बहुत इतना हो जाता है कि मतलब मैं हाथ मुंह धो सकती हूँ, बस इतना हो जाता है। मेकअप रिमूवर मेरा बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक बार में बिल्कुल लिप कलर हटा देता है। मैं कभी भी सर्दियों में फुल स्लीव पहन के नहीं सोती हूँ ना रहती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना नाइट में भी। तो ये मेरी नाइट सूट है, ये मेरा बहुत प्यारा नाइट सूट है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। आप सोचोगे सर्दियों में कौन इस तरह की ड्रेस पहन के सोता है, तो जैसे मैंने बोला मैं कभी फुल स्लीव पहन के नहीं सोती, मुझे सर्दियों में मतलब थोड़ी सी ठंडक फील होनी चाहिए मेरे को, तभी अच्छी नींद आती है, तो मैं इसलिए इसको पहन के सोती हूँ। बहुत सुंदर टॉप है, मैंने वैसे भी कई बार पहना है, शायद वीडियोस में आपने बहुत पहले वीडियो में देखा होगा, तब मैंने इसे पहन के कई सारी वीडियोज भी बनाई थी। तो ये मेरा नाइट सूट नहीं एक्चुअली मेरा टॉप है। तो चलिए पहले मैं अपना हाथ मुंह धो के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा शाम का रूटीन क्या होता है। एक्चुअली ये मेरा रूटीन ही शेयर हो जाता है आप लोगों से, बट ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, जैसे कभी कभी मैं कुछ प्रोडक्ट चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो मैंने अपना मुंह इससे धो लिया, और इससे आप नहा भी सकते हो, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से स्किन क्लियर हो जाती है, इससे नहाना भी बहुत ईजी है। तो मैं लगा रही हूँ अब क्रीम, और क्रीम मैं लगा रही हूँ जो मैंने बनाई थी, मैंने आप लोगों से इसकी वीडियो भी शेयर की थी, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। ये इतनी अच्छी से स्किन को ना शाइन देती है और हील कर देती है जहां से भी कटा वटा हो, इसमें एलोवेरा जेल भी है, और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मेरी फेवरेट वैसलीन। नाइट में मैं पॉनी टेल बनाना प्रेफर करती हूँ, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे हमारे बाल रात में टूटते फूटते नहीं है, क्योंकि जो लोग खुले करके सोते हैं मुझे नहीं समझ में आता वो लोग खुले करके कैसे सो जाते हैं बालों को। सो मैंने हाई पॉनी टेल कर ली, और ये बहुत सुंदर भी लगती है। सिंदूर लगा हुआ है, मैं बिंदी लगा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, एक बार मैंने पूजा करते हुए दिखाया था, बट कुछ चीजें मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे ही होनी चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, फिर अच्छी अच्छी बात करेंगे। तो पूजा तो हो गई, पहले लाइट बंद कर देते हैं।
तो अब मैं बैठ रही हूँ, लगभग 7:45 हो रही हैं। अब टाइम है मेरे वेट करने का, मैं वेट करूँगी 15-20 मिनट अरुण का। तो इतने में आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि अब तो स्कूल में भी डेली ही खुलेंगे, तो शायद मैं व्लॉग ही कर पाऊँ। व्लॉग भी 2-1 दिन में आ पाए तो आप लोग जो मेरी ऑडियंस है वो गुस्सा मत होना। कोशिश तो मैं ये करूँगी कि व्लॉग तो मैं डेली डाल दूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और हो भी नहीं पाती, क्योंकि मैं अकेली हूँ और एक इंसान एक लिमिट तक का ही कर सकता है। मैं हर जगह मैं कोशिश बहुत करती हूँ, रात दिन मेहनत भी करती हूँ, बट कुछ और चीज़ें जैसे मैंने बोला, फैमिली मेरे लिए पहले है और उन मेरे लिए पहले है, उनके लिए करना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ। बाद में दोनों चीज़ें हैं, जॉब और यूट्यूब। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं औरों को भी सपोर्ट करूँ, खुद को भी आगे बढ़ाऊँ। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर दूँ। और खाना तो टेस्टी टेस्टी आज मैंने बना ही लिया। अपने लिए पूरी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अरुण तो पूरी खाएंगे, आलू के साथ उन्हें पूरी अच्छी लगती है। और जैसे मैंने बोला, मैं तो जब से डाइट शुरू करी है मैंने पूरी मीठा बहुत कम कर दिया। इस वक्त भी मेरे फ्रिज में केक रखा हुआ है जो मैं नहीं खा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग, आई विश आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको, जैसे मैंने बोला, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और अपनी वीडियो के बारे में मुझे बोलना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, ठीक है। बाय बाय।